आज्ञा नमस्कार, मुई सरोज कुमार साहू यूट्यूब के धन्यवाद जनकरी मुई मोर चैनल एस एस एकेडमी के मुई आपण मानक स्वागत जनाऊे। आम आमर गला वीडियो थी ध्वजांक विधि थी किसी हरण करवार शिखुला। आज आम ये वीडियो थी आउ अतका किसी उदाहरण नहीं आम ध्वजांक विधि थी किसी अतका हरण शिखमा। तो पहला आम 423,876 हरण 312 करमा। इन्हें आम भाज्य पाई 423,876 आउ भाजक पाई 312। तो 312 के आम मुख्यांक आकार ने लिखीछ 3 ध्वजांक 12, जेन कि 12टा ध्वजांक है आउ 3टा संशोधित भाजक है। जेहेतु आम 12टा ध्वजांक हिसाब से लिखीछ से 12टा 2टा अंक नहीं बनुचे से आम भाज्यर बुझनी आड़ू 2टा अंक छाड़ी आम गार लमे देछूं। एखेन आम हरण करबार आरंभ करमा। तो पहला देखमा डेभरी आड़ू आमर 4 अंकटा अच्छे 4 हरण 3 करमा। 4 हरण 3 समान 3 × 1 = 3 आउ भाग शेषटा 1 हेसी। तो आम 1टा इदि लिखमा आउ 1टा जेन रहला भाग शेषटा आम 4 आउ 2 मझीने लिखमा। आमे सब बेले मन रखमा गार रो डेभरी आड़े आम भागफल उत्तर पाइमा आउ भाग शेषर उत्तर पाइबार लगे आम टे प्रोसेस आगे जारी रखमा। तो 4 हरण 3 समान 3 × 1 = 3 है 1टा भागफल है आउ भाग शेष 1टा आम 4 आउ 2 मझीने ठीक लिखमा 1। तो एखेन आम कण करमा 1 आउ 2 12 है 12 के लिखमा 12 विजोग चिन्ह देमा आउ भागफल गुणन ध्वजांकर डेभरी आड़ू पहला अंकटा जेनटा कि 1 लिखमा 1 × 1 माने इटा हला 12 × 1 गले 11 हला। तो 11टा आमर नूतन भाज्य आसला। एखेन काण करमा 11 नूतन भाज्य हरण संशोधित भाजक 3 समान 3 3 जीवा 3टा कि आम इने लिखमा आउ 2टा कि आम 2 आउ 3 मझीने लिखमा। एखेन आम 2 3 लिखमा 2 3 23 है आउ विजोग चिन्ह देमा जेहेतु आम भागफल साइड दी 2टा अंक पाई आमर ध्वजांक 2टा अंक अच्छे से आम 12 आउ 13 लिखमा आउ तल उपर एंता लिखमा आउ दुही संख्या के क्रॉस वाइज गुणन करी आम मिसई दमा आउ आम 23 नु काटिदमा। तो 3 × 3 जोग 2 × 2 3 + 2 समान 5 है 23 नु आम 5 काटिदे आमर उत्तर आसला 18 है आमर नूतन भाज्य। एखेन 18 हरण फेरी संशोधित भाजक 3 द्वारा हरण करमा 18 हरण 3 समान 3 = 18 हेसी 100टा कि आम इन लिखमा आउ भाग शेषटा आमर 0 है 0टा कि आम 3 8 मझीने लिखला। तो 0 8 लिखमा विजोग 12 36 लिखमा तल उपर लिखिदमा आउ इतकी क्रॉस वाइज गुणन करके मिसेकरी आम 8 नु काटमा। तो काणा हो देखमा 6 × 6 आउ 3 × 2 = 6 6 6 12 हो जाए आमर उत्तरटा नेगेटिव ती आसुचे से आम काण करमा इतकी 100 नहीं करी आम इतकी पंचे करमा 6 कि आम अलगे दमा आतकी आम 3 × 5 = 15 करमा आमको मिलला इन भाग शेष 3। तो आम इतके 3 8 के लिखमा विजोग चिन्ह देमा 12 आउ 35 करमा 12 आउ 35 करमा आम 1 अंक के हटे देमा आउ 35 आउ 12 तल उपर लिखिकी आम क्रॉस वाइज गुणन करदेमा 38 नु आम काटिदेमा। तो 5 × 5 आ 3 × 6 6 5 11 है 38 नु आम 11 काटमा
जेनटा कि आमर उत्तरटा आसबा दुई आउ सात सतैश सतैशटा आमर नूतन भाज्य आसला सतैश रणु आमे फेर संशोधित भाजक तीन द्वारा करमा जेनटा कि तीन नुए सतैश हेसी नुएटा इने लिखमा आउ भागशेषटा फेरी शून लिखमा शून आउ सात आमे लिखमा एकासरी विजोग चिन्ह लगामा आमे बार गुणन तेर के छाड़ी आमे अंसाठे लिखमा तो अंसाठे आउ आमर ध्वजांक बार ये तल उपर लिखिकी आमे क्रॉस वाइज गुणन करी मिसई देमा सात नु काटी देमा तो पाँच दुगुण दस ला आउ नौ एक नौ दस नौ उन्नीस होगला तो उन्नीसटा होगला यहाँ आमर सात नु उन्नीस काटी नहीं पारू यहाँ नेगेटिव किछि बाहरी जाउछे सेथि लागि आमे नुए बदले आमे अष्टे करमा आठ लिखमा आमे इते कि आठ लिखमा तीन अष्टे चौबीस आउ तीनटा आमे भागशेषटा इने लिखमा तीन आउ सात सैंतीस लिखमा सैंतीस बिजोग करमा एखेन तेरटा कि पूरा छाड़ी देमा अठावन लिखमा अठावन आ बार माने आमे बार आउ अठावन के तल उपर लिखिकी क्रॉस वाइज गुणन करदेमा आ मिसई देमा आमे सैंतीस नु काटिदेमा जेनटाकि आठ एक आठ आउ पाँच दुगुणे दस दस आउ आठ अठर है सैंतीस नु आमे अठर काटमा आमे तीन रु एक गले दुई दुई नु फेर एक काटमा जेनटाकि एक है आउ सतर रु आठ काटमा जेनटाकि नौ है उन्नीस है तो इन देखमा आमे आमर भाज्यर सीमारेखा तक आम पहुँची आसीछ तो एखेन आम उन्नीस के सात आउ छर मझी ने लिखमा जेनेकि उन्नीस ने लिखना उन्नीस आउ छ जेनटाकि एकासरी आम लिखिदेमा एक सौ छयानबे विजोग करमा एखेन आम भागफल बुझनी आड़ पहला अंक गुणन ध्वजांकर बुझनी आड़ पहला अंक बा आम कहीपारमा भागफल एकक अंक गुणन ध्वजांकर एकक अंक आठ गुणन दुई करमा आठ गुणन दुई सामान षोलह है आम एक सौ छयानबे नु षोलह काटमा जेनटाकि उन्नीस नु एक गले अठर है आउ छु छ गले शून है तो आम इटा कि आम भागशेष बुझमा आउ आम भागशेषटा पाइला एक सौ अशी आउ एक हजार तीन सौ अठावनटा आम भागफल कहमा तो आम चार लक्ष तेईस हजार आठ सौ छहस्तर के तीन सौ बार थी आम ध्वजांक विधि हरण करी आमर भागफल उत्तर पाइला एक हजार तीन सौ अठावन आ भागशेष उत्तर आम पाइला एक सौ अशी आम अन्य उदाहरण निके आसमा बार हजार तीन सौ सतसठ हरण शहे चौदह के आम मुख्यांक हिसाब से लिखिछ जेनेकि एक ध्वजांक चौदह जेनेकि चौदहटा ध्वजांक है आउ एकटा आमर संशोधित भाजक है जेहेतु आम ध्वजांक थी दुईटा अंक पाइछू से आम भाज्यर बुझनी आड़ दुईटा अंक छाड़ी गार लमे दीछू तो गार रो डेभरी आड़े आम भागफल उत्तरटा पाइमा आउ भागशेष उत्तर पाइबार लगे आम टे प्रोसेस आगे गति करमा तो पहला देखमा आम भागफल डेभरी आड़ पहला अंकटा एक अच्छे एक हरण एक करमा जेनटाकि एक हरण एक सामान एक एक हेसी आउ भागशेषटा शून है तो आम एकटा के भागफल आड़े लिखमा जेनटाकि एक रले लिखमा आ भागशेष शूनटा के आम एक दुई ठीक मझीने लिखमा एखेन शून दुई पाइला विजोग करमा भागफल गुणन ध्वजांकर डेभरी आड़ पहला अंक जेनटाकि एक गुणन एक लिखमा तो दुई नु आम एक के काटमा जेनटा कि एक आसला एकटा के आम एखेन नूतन भाज्य हिसाब से पाइला एक हरण आम संशोधित भाजक आम एक द्वारा हरण करमा जेनटा कि एक एक हेसी आउ भागशेष शून हेसी तो आम एकटा के इने लिखमा भागफल आड़े आउ शूनटा कि आम भागशेष के ठीक दुई आउ तीन रझी ने लिखमा तो आमको मिलला एखेन शून तीन विजोग आम जेहेतु
ध्वजांक थी दुईटा अंक देखुचु आउ भागफल आड़े दुईटा अंक भी पाइगलान आम दुईटा कि एका सर लिखिकी तल उपर लिखिकी आम क्रस वाइज गुणन करसईदमा तीन रू काटे तो एक के एक है चार के चार चार आउ एक पाँच होगा तीन रू आम पाँच काटनी पार आमको नेगेटिव अंकटे मिली जाऊे से आम काण करमा यहाँ के गोटे कम करदमा जेनटा कि शून लिखमा आम भागफल आड़े गोटे कमेदमा जेनटा कि शून है तो एक शून शून है आउ भागशेषटा आमर एक रहला तो आमर एक आउ तीन तेरो पाइला आमे तेरो बिजोग चौदह लेखमा आउ दस लेखमा ये क्रस वाइज गुणन करदेमा मिसेदमा तेरो नु आमे एखेन काटी पार्मा जेनटा कि चार के चार तेरो रु चार गले न आसला आमर उत्तरटा नौटा होचे आमर नूतन भाज्य न हरण संशोधित भाजक एक कर्मा जेनटा कि न हरण एक समान एक अष्टे आठेसी आउ एक आमर भागशेष आठटा कि आम इने लिखमा आउ भागशेष कि इने लिखमा एक छोलह पहला इन आम देखमा आमर भागफल सीमारेखा तक आम यहाँ पहुँची जाइ तो एक छोलह एकाशे लिखमा बीजोग चौदह लिखमा आउ शून आठ शून आठ के आम लिखिकी आम क्रस वाइज गुणन करसईदमा तो आठ कि आठ है आोलह रु आठ गले आमको आठ मिलला जेहेतु आम भागफल सीमारेखा तक पहुँची जाइ तो आम इ आठ के एखेन सात पाखे लिखमा जेनटा कि छो सतर मझीने आठ लिखना तो आमर आठ सात एखेन पाला आठ सात विजोग कर्मा भागफल एकक अंक गुणन ध्वजांक एकक अंक आठ गुणन चार आठ चौ बतीस सताशी नु आम बतीस काटमा जेनटा कि आमर उत्तरटा आसवा पंचावन इटा आमर भागशेष है आम ये कि आर लिखमा आउ भागफल के आम क्यू लिखमा तो इ प्रकार आम बार हजार तीन सौ सतसठ हरण एक सौ चौदह कलना ध्वजांक विधि थी आमर उत्तरटा भागफल पाला शहे आठ आउ भागशेष उत्तरटा आम पंचावन पाला एखेन आम तीन लक्ष एक सौ बैस हरण तीन हजार एक सौ एक कर्मा तीन हजार एक सौ एकटा आमर भाजक है आउ आम यहाँ कि मुख्यांक हिसाब ती तीन ध्वजांक एक सौ एक लिखीछ जेने कि आम ध्वजांकटा एक सौ एक तीन टा अंक के नहीं पाई आउ आमर संशोधित भाजक आम तीन पाई जेहेतु आम तीन टा अंक ध्वजांक पाई आम तीन टा अंक भाज्य बुझनी आड़ छाड़ी आम गार लमे गार डेभरी आड़े आम जेन उत्तर पाएमा आम भागफल उत्तर पाएमा आउ भागशेष उत्तर पाइबार लगे आम प्रोसेस आगे टी गति करमा तो तीन हरण तीन इने कर्मा पहला जेनटा कि तीन हरण तीन समान भागफल आसला आमर भागफल एक है आ भागशेष शून है तो इन आम भागफल एक इने लिखमा आ भागशेष शून लिखमा तीन आ शून रझीने जेने कि आम शून आ शून मान शून पाला विजोग लिखमा भागफल गुण ध्वजांक मान भागफल गुणन ध्वजांक एकक अंक एक गुणन एक कर्मा इन आम जेहेतु नेगेटिव उत्तरटे पाऊ से आम काण करमा आम दुईटा अंक तीस नमा तो तीस हरण तीन कर्मा तीस हरण तीन के आम कले आमर भागफल आसला तीन दशा तीस आ भागशेष शून किंतु आम दुईटा डिजिट एकासारी थरे थी आम भागफल आड़े लिखिनी पारू से आम गुटे कम करदमा जेनटा कि तीन नुए सतैश आसी नुआटा कि आम ठीक तीस मान शून
तले लिखमा नौटे आउ तीन भाग शेष टेक आम दुईटा शून रझी ने लिखमा। तो आम एखेन तीस पाला तीस विजोग कर्मा भागफल गुणन ध्वजांक मान न गुणन एक जेनटा कि तीस नु न काटले एक एकटा आम नूतन भाज्य आसला एक रण तीन कर्मा जेनटा कि आमको उत्तर मिलवा तीन सत्ता एक शून भाग शेष। तो सात के इने लिखमा आ भाग शेष शून के इने लिखमा एखेन शून एक पाला जेनटा कि शून एक लिखमा विजोग कर्मा ध्वजांक आड़ आम दस नेला आउ भागफल आम सतानबे पाला। तो ये कि दुईटे कि नहीं आम क्रस वाइज गुणन करी आम एक नु काटिदमा। तो ये देखमा आम आमर उत्तरटा आमको नेगेटिव थी कि उत्तर आसुचे से आम सात बदलने आम छ लिखमा गोटे कमईदमा जेनटा कि छ कर्मा। तो तीन सौ अठर है आउ भाग सरस्वती आमर अठर तीन एक एखे आम तीन एक एकतीस लिखमा विजोग कर्मा दस आमर ध्वजांक आड़ नेला आउ जेहेतु आम दुईटा अंक पाइछु भागफल आम छयानबे दस आ छयानबे के आम क्रस वाइज गुणन करके मिसेक आम एक तीस नु काटिदमा जेनटा कि है छ एक छ छ काटिदेले आम पाला पचीस। तो पचीसटा आमर नूतन भाज्य आसला पचीस रण एखेन आमको किसी करवा नहीं से लगी पचीसटा कि आम इने लिखिदमा जेनटा कि दुईश बावन लिखमा दुईश बावन विजोग लिखमा ध्वजांकर शून एक लिखमा आउ छयानबे लिखमा आम भागफल आड़ आम दुईटा कि क्रस वाइज गुणन करसई कर दुई बावन काटिदमा जेनटा कि न एक न आम न काटिदमा दुईश बावन दुईश बावन न पलिगले दुईश तेयालीस है दुईश तेयालीस आम इन लिखमा दुई चार तीन दुईश तेयालीस आउ दुई के लिखमा दुईश तेयालीस आ दुई है दुई हजार चारश बतीस विजोग कर्मा आम भागफल एकक अंक आउ ध्वजांकर एकक अंक छ गुणन एक जेनटा कि दुई हजार चारश बतीस नु छ आम काटमा। तो दुई चार दुई लिखमा दुई चार दुई लिखमा आउ बार नु छ काटले छ। तो आमर उत्तरटा मिलला भागशेषर दुई हजार चारश छबिश आमर भागफल उत्तर मिलला छयानबे आउ भागशेषर उत्तर मिलला दुई हजार चारश छबिश दुई हजार चारश छबिश। तो ये प्रकार आम तीन लक्ष एकश बैश हरण तीन हजार एकश एक कलना आमर ध्वजांक विधि हरण कलना आम जेने कि पाला उत्तरटा आमर छयानबे भागफल आउ दुई हजार चारश छबिशटा आम भागशेषर उत्तर ये प्रकार आम पाइछ। अन्य उदाहरण जीमा तो आम एखेन पाइछ एक लक्ष छहस्तर हजार तीन सौ चौबीस हरण आठ हजार दुईश बार आठ हजार दुईश बार कि आम मुख्यांक हिसाब से लिखिदेच आठ ध्वजांक दुईश बार। तो जेहेतु आम तीनटा अंक ध्वजांक पाइछ से आम तीनटा अंक भाज्यर बुझनी आड़ छाड़ी आम गार लमे दीछू एखेन आम एक हरण आठ करूँ से आम सतर हरण आठ कर्मा जेनटा कि सतर हरण आठ सामान आठ दुगुणे षोह एक हेसी भागशेष दुगुणेटा कि आम इने लिखमा भागफल सैट आड़े मान सात ठीक तले आउ भागशेष एक कि आम इने लिखमा सात छर ठीक मझीने। तो एखेन आम पाला एक छह
16 बिजोग कर्मा आमे भागफल गुणन ध्वजांकर डेभरी आड़ू पहला अंक तो दुई गुणन दुई जेने कि उत्तर मिलला आमको 16 नु 4 गले 12 12टा आमे नूतन भाज्य हिसाब थी पहला बार हरण आठ कर्मा समान आठ एक आठ आउ चार एकटा इन लिखमा आउ चार टिके आम इन लिखमा चार आउ तीन तेयालीस तेयालीस बिजोग कर्मा आम एक लिखमा आउ भागफल आड़े एक लिखमा ध्वजांक थी आम दुईटा अंक नमा एक आउ भागफल आड़े आम एक नमा आउ तल ऊपर लिखिकी आम क्रॉस वाइज गुण न करी आम तेयालीस नु काटिदमा तो दुई एक दुई आउ दुई एक दुई 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 चार काटमा तेयालीस नु चार कटिगला आमको उत्तर मिलला अंचालीस एखेन देखमा आम आमर सीमारेखा तक जेहेतु पहुँची जाइ तो आम अंचालीस के आम तीन आउ दुई रझी थी लिखमा अंचालीस जेनटा कि आम तीन सौ बानबे पाला तीन सौ बानबे विजोग कर्मा एखेन आमे दुईटा के छाड़दमा ध्वजांकर बार लिखमा आउ भागफलटा एक लिखमा ये कि क्रस वाइज गुण न करके मिसेक तीन सौ बानबे आम काटिदमा तो दुई दुगुण चार आउ एक 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 चार एक पाँच तीन सौ बयानबे नु आम पाँच काटमा जेनटा कि उत्तर मिलवा आमको तीन सौ सताशी तीन सौ सताशीटा आम इने लिखमा तीन सौ सताशी आउ चार जेनटा कि तीन सौ सताशी आ चार लिखिदे आमको तीन हजार आठ सौ चौरस्तर है विजोग कर्मा आम भागफल एकक अंक गुणन ध्वजांकर एकक अंक जेनटा कि दुई गुणन एक कर्मा दुई गुणन एक सामान दुई एक दुई हेसी माने आम तीन आठ सात दुई लिखमा तीन आठ सात दुई इटा आमर भागशेषर उत्तर मिलला तीन आठ सात दुई इटा आम भागशेषर उत्तर पाइलना आउ इटा आम एकटा भागफल उत्तर पाइलना तो आम एक लक्ष छहस्तर हजार तीन सौ चौबीस हरण आठ हजार दुई सौ बार आम ध्वजांक विधि हरण कला आम आमर भागफल उत्तर पाइलना एक आउ भागशेषर उत्तर पाइलना तीन हजार आठ सौ बास्तर अन्य किछु उदाहरण नमा एखेन आम एक कोटि पंचानबे लक्ष छयानबे हजार पाँच सौ बैस हरण छः हजार एक सौ बैस कर्मा जेने कि छः हजार एक सौ बैस आम भाजक के आम आमर मुख्यांक छ ध्वजांक एक सौ बैस लिखना एक सौ बैसटा आमर ध्वजांक है आउ छटा आमर संशोधित भाजक है जेहेतु एक सौ बैसटा तीन टा अंक है से लगे आम भाज्यर बुझनी आड़ तीन टा अंक छाड़ी आम गार लमी दीछु तो एखेन आम जेहेतु एक हरण छ करनी पार से लगे उन्नीस हरण छ कर्मा उन्नीस हरण छ समान छ तीन अठर आउ एक तीनटा कि आम नौर तले लिखमा आउ एकटा कि आम भागशेष के नौ पाँच ठीक मझे लिखमा तो एक पाँच लिखमा एखेन आम आउ विजोग चिन्ह देमा आउ तीन गुणन एक कर्मा तीन गुणन एक समान पंद्रह रु तीन गले आमको मिलला बार बारटा है मोर नूतन भाज्य बार हरण संशोधित भाजक आमर छ कर्मा जेनटा कि छ दुगुणे बार हेसी आउ शून भागशेष तो दुगुणेटा आम इने लिखमा आउ शूनटा आम इने लिखमा शून न विजोग बार आम ध्वजांकर डेभरी आड़ दुईटा अंक नमा आउ भागफल बतीस नमा आम आउ दुईटा के तल ऊपर लिखिकी आम क्रॉस वाइज गुण न करी मिसई दमा न नु आम काटिदमा तो दुई एक दुई आ तीन दुगुणे छ छ आउ दुई आठ ला आम नौ नु आठ काटि पारुछु से लगे आम आमको उत्तरटा आमर मिलला एक एकटा आमर नूतन भाज्य आसला तो एक के आम छी हरण कर्मा
एक हरण छ समान छ शून्य शून्य हेसी आउ भागशेष एक तो शून्यटा के आम इने लिखमा आ भागशेष के आम इने लिखमा एखेन आम एक छ षोलह पाइला जेनटा कि षोलह विजोग लिखमा आम आमर ध्वजांक तीनटा अंक आउ भागफल तीनटा अंक तल उपर लिखमा क्रस वाइज गुणन करमा तो 122 लिखमा 122 आउ 320 320 क्रस वाइज गुणन करदेले आम पाइला एक शून्य शून आ दुई तीन छ दुई तीन छ जोग दुई दुगुणे चार छ आउ चार मिसेदेले दस है मानने षोलह नु आम दस काटमा जेनटा कि उत्तर आम पाइला षोलह नु दस काटले छ है छटा है आमर नूतन भाज्य एखेन आम आमर नूतन भाज्य छ हरण संशोधित भाजक छ करमा जेनटा कि छ हरण छ समान आम पाइला छ एक छ आउ छ शून आम भागशेष पाइला एक एक इने लिखमा आउ शून भागशेष के इने लिखमा तो आम शून आउ पाँच लिखमा विजोग करमा आम देखमा आमर ध्वजांक 122 तीनटा अंक है आम तीनटा अंक इडू नमा तीन के अलग देमा जेने कि 201 तो 122 201 लिखमा 122 आउ 201 आम दुईटा के क्रस वाइज गुण न करके मिसेकर पाँच नु आम काटिदेमा तो दुई दुगुण चार आउ एक 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 चार एक पाँच पाँच रु आम पाँच काटमा जेनटा कि शून हेसी शूनटा आम इने लिखमा जेहेतु आमर सीमारेखा तो आम पहुँचेचु भागफल से लगे शून के इने लिखला शून आउ दुई एखेन आम शून आउ दुई लिखमा विजोग करमा आम ध्वजांक आड़ पहला गोटे अंक छाड़देमा आउ बाईस के लिखमा आउ भागफल आड़ दुईटा अंक छाड़देमा जेनटा कि शून एक लिखमा आम क्रस वाइज गुणन करके मिसेदेमा जेनटा कि दुई एक दुई आम दुई रु दुई काटिदे शून पाइला शूनटा कि आम लिखमा शून दुई एखेन आम शून दुई आउ विजोग करमा भागफल एकक अंक आउ ध्वजांक एकक अंक एक गुणन दुई करमा समान दुई रु दुई गले शून है तो उत्तरटा आमर भागशेषर मिलला शून आउ भागफल उत्तर मिलला आमको 3201 तो आम एक कोटी पंचानबे लक्ष छयानबे हजार पाँच सौ बैस हरण छ हजार एक सौ बैस कलना आम ध्वजांक विधि थी आउ उत्तरटा आम पाइला 3201 भागफल आउ भागशेष आम शून उत्तर पाइला आम आम नेक्स्ट उदाहरण निके आसमा एखेन आम छयाशी लक्ष बतीस हजार छःश एक चालीस हरण एकाशी करमा तो आमर एकाशी के आम मुख्यांक हिसाब ती लिखि दीछू आठ ध्वजांक एक जेने कि आम एकटा ध्वजांक हिसाब ती लिखला आउ आठटा आम संशोधित भाजक हिसाब ती पाइला एखेन आम भागफल डेभरी आड़ पहला अंक आठ पाइचु आठ हरण आठ करमा जेनटा कि आठ हरण आठ समान आठ एक आठ हेसी आउ शून भाग शेष हेसी तो आठ एकटा इन लिखमा आउ शूनटा कि आम इन लिखमा शून छ पाइला आम शून छ लिखमा शून छ विजोग एक गुणन एक करमा एक गुणन एक जेनटा कि छ नु एक पलिगले आमको पाँच मिलसी तो पाँचटा है आमर नूतन भाज्य पाँच हरण आठ करमा पाँच हरण आठ समान आमर भागफल शून मिलवा आउ भागशेष थी आम पाँच पाइमा तो आम शूनटा के इने लिखमा आउ पाँचटा के आम इने लिखमा एखेन आम तेपन पाइला तेपन विजोग करमा भागफल गुणन ध्वजांक एक गुणन शून करमा एक गुणन शून
समान सही 53 मिलला हमको 53 टा हमर नूतन भाज्य आसला आ 53 हरण 8 करमा जेंटा की 848 आ 5 हमर भागशेष हेबा 53 हरण 8 करना जेंटा की 848 हला आ 5 हमर भागशेष हला 6 टा की हमें इने लिखमा आ 5 टा के हमें इने लिखमा 5 2 81 लिखमा हमें 52 52 बीजक करमा हमें भागफल गुणन ध्वजांक जेंटा की 1 गुणन 6 किंबा 6 गुणन 1 समान हमें पाइमा उत्तर 6 की 6 52 नु 6 पले गले हमकु 46 मिलला 46 टा हला मोर नूतन भाज्य 46 हरण 8 करमा जेंटा की 8 पंचे 40 आउ 6 मिलबा 5 टकी हमें इने लिखमा आउ 6 टकी हमें इने लिखमा जेंटा की 66 हला 66 भी जगो 1 गुणन 5 लिखमा जेंटा की उत्तर मिलला 66 रु 5 गले 61 61 टा हमर नूतन भाज्य है 61 हरण 8 करमा जेंटा की 8 सता करमा 56 56 आउ भागशेष सती हमर 5 पैमा सता टा हमें इने लिखमा आउ भागशेष 5 टा हमें इने पैमा एखन हमें 54 पैलना 54 लिखमा बीजोग 1 गुणन 7 बा 7 गुणन 1 समान पैमा में 7 काटी देमा 54 नु 7 गले हमें 47 पैमा 47 टा हमें नूतन भाज्य पैमा 47 हरण आमे 8 करमा जेंटा की 8 पंचे 40 आउ 7 पंचे टा इने लखमा आउ 7 टा आमे इने लखमा 7 एक 71 पैलना बीजोग करमा आमे भागफल गुणन ध्वजांक 1 गुणन 5 करमा बा 5 गुणन 1 तो 71 नु हमकु 5 पली गले 66 तो 66 एटा अमर हला एटा भागशेष उत्तर तो आमे भागफल उत्तर पाइना आउ भागशेष उत्तर पाइला आमे 66 ई प्रकार आमे जे कोनोसी संख्या के आमे कोनोसी हरणर भाजक रे रखिगरी आमे ध्वजांक विधिति हरण करबार सीखी गला ई वीडियो के जदि आपन को पसंद लागुछ आपन लाइक बटन ने क्लिक करूं आउ आपन कर मन ने यदि किछि प्रश्न उठुछे आपन कोनोसी समस्या समाधान पाइनि पारबार हेले मुई अनुरोध करबी आपन तुरंत मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकरी जणोत मुई निश्चय आपन मान कर समस्या समाधान आनी देबी आउ आपन अचिंता रहुंत आउ आपन ई वीडियो के आपन मान कर संग मान कर ने शेयर करूंत आउ मुई अनुरोध करबी आपन मोर चैनल के यदि एते बेल तक सब्सक्राइब नहि करूंत हेले तुरंत सब्सक्राइब करि पकुंत आ पाखे थिबा बेल आइकन थि भी क्लिक करू जेंटा कि मोर नेक्स्ट वीडियो रो इन्फॉर्मेशन आपन मानकु अति सहजति मिलि जाबा आपन कर दिन शुभ नमस्कार।